हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं प्रभजीत सिंह और आप देख रहे हो ऑटो बादशाह चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपके इस चैनल पे। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं कुछ डिफरेंट करने वाला हूं। मेरा जो मेन एम है वो इस वीडियो के ज़रिए आपको बताना है कि आप खुद भी अपनी बाइक की मेंटेनेंस कर सकते हैं। जो सर्विस रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आप खुद अपनी बाइक की कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ये एक सीरीज़ शुरू की है वीडियोज़ की, जिसका नाम है डू इट योर सेल्फ। तो इसमें आपको मैं धीरे धीरे करके वो सभी चीज़ें बताऊंगा जो कि नॉर्मल सर्विस में होनी चाहिए और वो कैसे की जाती हैं वो बताऊंगा। और आज की ये इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम कार्बोरेटर की क्लीनिंग कर सकते हैं, वो भी खुद से। गाइस, होता क्या है कि कभी कभार हम कार्बोरेटर की क्लीनिंग, दोस्तों इतना बड़ा इशू नहीं है, हर कोई क्लीन कर सकता है कार्बोरेटर। कई लोग लेकिन डर के मारे नहीं करते कि भाई कहीं ट्यूनिंग ना छिड़ जाए या ये सब ना हो जाए, तो कई मैकेनिक्स भी नहीं छेड़ते कार्बोरेटर को। लेकिन कार्बोरेटर इतना भी कुछ हवा नहीं है कि हम खुद ना कर पाए। बहुत सारे लोगों से कार्बोरेटर क्लीनिंग के दौरान गलतियां हो जाती हैं जिनकी वजह से उनकी ट्यूनिंग बिगड़ती है। तो मैं आपको सभी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, करके दिखाऊंगा और ऐसे एक्सप्लेन करूंगा कि आप भी उस चीज़ को, आप भी कार्बोरेटर को क्लीन कर सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, चलिए कार्बोरेटर खोलना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एडजस्टर को खोल लेंगे। ये एक्सलेटर वायर का एडजस्टर है, तो उसको पहले बाहर निकालेंगे। पहले नीचे वाला एडजस्टर का नट खोल के और एडजस्टर को और उसके खांचे में से, जिस खांचे में कार्बोरेटर पे एडजस्टर लगा होता है, उसको बाहर निकाल लेंगे। वहाँ से बटरफ्लाई को थोड़ा पुश करेंगे और एडजस्टर को ऊपर की तरफ खींचेंगे तो वो बाहर आ जाएगा। तो गाइस, एडजस्टर निकल चुका है। पहले हम ये पाइप हटा लेंगे क्योंकि दिक्कत होगी। तो गाइस, अब बटरफ्लाई को ऊपर की तरफ पुश करेंगे और जो वायर है उसको, जो मक्खी जहाँ पर फंसी होती है बटरफ्लाई में से, उस खांचे में से बाहर निकाल लेंगे मक्खी को। तो गाइस, ये देखिए वायर बाहर आ चुकी है। अब चलिए चलते हैं, इस तरफ आते हैं और जो बोल्ट हैं वो लूज़ करना स्टार्ट करते हैं। पहले का स्क्रू ड्राइवर से ये वाला बोल्ट एक लूज़ करेंगे, उसके बाद 3 नंबर की एलकी लेंगे और एलकी बोल्ट लूज़ करेंगे। गैस, ये एक खांचा बना होता है, आप देख सकते हैं मेरा कार्बोरेटर उस खांचे में से निकला हुआ है जहाँ पर ये फिट होता है। ये देखिए, ये कार्बोरेटर यहाँ पूरा बैठना चाहिए मैनिफोल्ड में, लेकिन बैठा नहीं हुआ। वो फॉल्ट कुछ और है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि क्यों बैठा नहीं हुआ पूरा। तो कार्बोरेटर लूज़ है। अब इसके बाद गैस, हम ये जो बॉक्स का कवर है ना, इसको खोल लेंगे, क्योंकि हमें जो हॉस पाइप है कार्बोरेटर के साथ लगा हुआ छोटा सा, उसके हमें क्लंप लूज़ करने हैं पीछे से फिल्टर बॉक्स से। उसके बिना हम कार्बोरेटर बाहर नहीं निकाल पाएंगे। तो एक 10 नंबर का बोल्ट यहाँ से खोलेंगे बॉक्स का, ये आपको दिख जाएगा। और एक गाइस बोल्ट यहाँ पर होता है, ये एक एडजस्टर बोल्ट होता है जिसमें एक नट लगा होता है। उस नट को हम लूज़ करेंगे, सिर्फ नट को लूज़ करना है जो बॉक्स के साथ चिपका हुआ है, और इसको लूज़ करने के बाद ये बॉक्स जो है वो खुल जाएगा। तो गाइस, ये नट लूज़ हो चुका है और अब ये बॉक्स निकल आएगा बाहर। अब गाइस, इसका ये क्लंप जो है जो बॉक्स के साथ लगा हुआ है, हम इसको लूज़ कर लेंगे। इसको हल्का सा पीछे पुश करेंगे और ये निकल गया, और फिर कार्बोरेटर को पीछे पुश करेंगे तो कार्बोरेटर भी बड़े आराम से निकल आएगा। तो चलिए दोस्तों, कार्बोरेटर निकल गया है, देखिए कितना गंदा है, इसको हम वॉश कर लेते हैं पेट्रोल से।
तो गाइस अभी वॉश करने बैठा तो मुझे ध्यान आया कि ये देखिए ये बोल्ट स्लिप है, ये लास्ट टाइम टाइट करते हुए बोल्ट स्लिप हो गया था। तो इसमें वैसे तो प्लस वाला जो स्क्रू ड्राइवर है वो लगता है, बट अभी उसमें वो नहीं लगेगा क्योंकि ये स्लिप हो चुका है। इसलिए मैं इसमें एक माइनस का खांचा बना रहा हूँ, उस खांचे में माइनस का स्क्रू ड्राइवर जो है वो लग जाएगा और फिर हम ये बोल्ट। तो गाइस खांचा बन चुका है, मैं आपको दिखा दूँ पहले। ये देखिए ये माइनस का मैंने खांचा बना लिया है। अब ये बोल्ट बहुत ही आराम से खुल जाएगा। ये फॉल्ट गाइस किसी के साथ भी आ सकता है, कभी भी बोल्ट स्लिप कर सकते हैं। तो इस केस में आप ऐसे खांचा बना के इस बोल्ट को खोल सकते हैं। तो चलिए हम इस बोल्ट को खोल लेते हैं। गाइस खांचा बनाते समय एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कहीं गलती से आप कार्बोरेटर ना कट कर दें। तो गाइस ये खुल चुका है। अब इसका ये ओवरफ्लो वाला जो जेट है ये खोल लेंगे, नट है सॉरी। अभी हम बिल्कुल इसको डिसमेंटल कर देंगे, एक एक जेट और सभी जो नट्स हैं, मिक्सचर नट हैं, सभी जेट हैं, फ्लूड बॉडी है, सब कुछ खोल लेंगे। अब गाइस हम फ्लूड बॉडी का नट खोलेंगे और फ्लूड बॉडी रिजर्वॉयल का जो पेट्रोल होता है उसको, मतलब उसमें कंट्रोल करती है कितना पेट्रोल रिजर्वॉयल में आना चाहिए। अगर ये फ्रूट बॉडी ख़राब हो जाए तो यहाँ पर ओवरफ्लो हो जाता है, मतलब पेट्रोल ज़्यादा आ जाता है और फिर वो बाहर जो है ओवरफ्लो वाले पाइप से निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो कभी ये प्रॉब्लम आए तो इस फ्रूट बॉडी की जो है प्रॉब्लम होती है, ये निडल हम निकाल के रख लेंगे। ये फ्रूट बॉडी के साथ फंक्शन करती है और ये फ्रूट बॉडी की पिन। तो गाइज़ अब ये बचा हुआ पेट्रोल निकल गया, सो अब हम दोनों के दोनों जेट खोल लेंगे। ये जो छोटा जेट गाइस मैं खोल रहा हूँ ये मिक्सचर का जेट है, मिक्सचर नट जो हम एडजस्ट करते हैं इसी जेट की एडजस्टमेंट होती है। कितना पेट्रोल इस जेट से जाएगा इंजन के अंदर वो मिक्सचर नट डिसाइड करता है। और ये जो जेट है ये सिर्फ आइडियल के टाइम यूज़ होता है। अब हम खोल लेंगे मेन जेट को। मेन जेट होता है और एक्सेलरेशन के टाइम यही जेट ओपन होता है और इसी के थ्रू पेट्रोल जाता है। तो गाइस यहाँ से सब कुछ खुल चुका है। अब हम दूसरी तरफ चलेंगे और ये मिक्सचर नट खोल लेंगे। बटरफ्लाई के साथ मिक्सचर नट होता है वो निकाल लेंगे हम। सो गाइस ध्यान रखिएगा मिक्सचर नट के साथ और भी बहुत कुछ होता है। अंदर दो वॉशल्स होती हैं, एक रबर की, एक नॉर्मल, एक स्प्रिंग होता है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा निकालते टाइम, कहीं गुम ना जाए। जो भी आपने करना है वो एक ऐसी ट्रे में करना है जिससे कि इधर उधर ना हो जाए सामान। अब हम ये स्लाइड खोल लेंगे। कभी कभार गाइस नट बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं तो आप पकड़ के अच्छे से और फिर खोलिए, कहीं स्लिप ना हो जाए, नहीं तो फिर दिक्कत बढ़ सकती है। गाइस इसको पकड़ के रखिएगा क्योंकि अंदर एक स्प्रिंग होता है तो ये उछल भी सकता है। ये देखिए ये कवर बार आ गया, ये स्प्रिंग आ गया और ये रही स्लाइड। गाइस ये देखिए स्लाइड एकदम मतलब बिल्कुल नए जैसी है। अगर यहाँ पर कचरा चलता ना तो ये जो आपको वाइट ये चीज़ दिख रही है इसके जैसी होती, और तभी स्लाइड कटती है जब यहाँ पर डस्ट होती है सारी। तो
मैं अपना कार्बोरेटर करीब करीब 5,000 किलोमीटर पे या 8,000 किलोमीटर पे खोल देता हूँ और क्लीन कर देता हूँ, जिसकी वजह से स्लाइड नहीं कटती। तो चलिए गाइस, अब सब कुछ खुल चुका है तो इसकी साफ़ सफाई स्टार्ट करते हैं। गाइस, साफ़ करने से पहले पेट्रोल से अपने हाथ ज़रूर साफ़ कर लें, सो दैट मिट्टी ना रह जाए वहाँ पे हाथों में। और बिल्कुल साफ़ हाथों से हमें कार्बोरेटर को धोना है पेट्रोल से। सबसे पहले स्लाइड वॉश करेंगे गाइस, ये रबर का संभाल के, क्योंकि स्लाइड एक्स्ट्रा नहीं मिलती, बड़े ही प्यार से डेलिकेट चीज़ें हैं, उनको डेलिकेट तरीके से हैंडल करना है। हर एक चीज़ को पेट्रोल के साथ वॉश करने के बाद उसी टाइम उसको कपड़े के साथ साफ़ करेंगे, क्योंकि पेट्रोल गाइस उड़ जाता है तो वो सारा गंद उसी पर लगा रह जाएगा। तो जैसे ही हम धोएंगे किसी भी चीज़ को, उसके बाद इंस्टेंटली कपड़े के साथ उसे साफ़ करके रख देंगे। जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे जेट हो गए और बाकी सब चीज़ें होंगी, वो हम सबसे पहले क्लीन करेंगे और बाहर निकाल के रख लेंगे। अब बाकी की बॉडी जो है कार्बोरेटर की, वो सारी की सारी क्लीन कर लेंगे। सो गाइस, देखिए ये इतना सारा कचरा निकला है इसके अंदर से। अब आप खुद देखिए कैसे बाइक चलेगी इस कचरे के साथ। क्लीनिंग तो बहुत ज़रूरी है, और ये देखिए पेट्रोल भी गंदा हो गया। सो गाइस, अब क्लीनिंग हो चुकी है, एक बार अच्छे से कपड़ा मार देंगे, स्पेशली इस जगह पे जहाँ पर स्लाइड चलती है, क्योंकि स्लाइड वायर से कंट्रोल नहीं होती, वैक्यूम से कंट्रोल होती है। तो बिल्कुल बिना किसी डस्ट के यहाँ पर स्लाइड चलनी चाहिए, अगर यहाँ पर हल्की सी भी उसको दिक्कत हुई तो स्लाइड अटक सकती है। सब जगह अच्छे से कपड़ा मार लेंगे। तो चलिए गाइस, सब कुछ क्लीन हो चुका है, अब फटाफट फिटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले स्लाइड हम फिट करेंगे, अच्छे से कपड़ा लगा के पहले बॉडी पे, अब स्लाइड पे। और अब इसकी आपको रबड़ की सेटिंग दिखाता हूँ कि कैसे बिठानी है। तो बस ये रबड़ जो साइड के किनारों में ये खांचे बने होते हैं ना, वहाँ लगती है, और यहाँ पर एक खांचा बना हुआ है, तो उसमें ये जितना पार्ट रबड़ का बाहर निकला हुआ है ना, वो उस जगह पे आएगा। ये देखिएगा, ये रबड़ का पार्ट बाहर निकला हुआ है और ये खांचा बना हुआ है, यहाँ पर आएगा। और गाइस, स्लाइड को जब बंद करने से पहले एक बार चेक कर लेंगे कि किसी भी तरीके से कोई डस्ट का पार्टिकल तो नहीं है, जिससे कि स्लाइड रड़क मार रही है, जैसे अभी मार रही है, मुझे फील हो रहा है मेरे हाथ में। तो ये चेक करेंगे एक बार, मैं दोबारा कपड़ा मारूंगा अच्छे से। बॉडी पे भी, स्लाइड पे भी, और दोबारा से चेक करेंगे, कहीं भी कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए स्लाइड ऊपर नीचे होने में। अब ये एकदम परफेक्ट है, कुछ नहीं है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से ऊपर नीचे हो रही है। तो गाइस, अब वो रबड़ को जो खांचे थे उसमें बिठा के अब इसको पैक।
तो गाइस लाइट फिट हो चुकी है, अब बाकी का सब कुछ फिट करेंगे सामान। सबसे पहले हम ले अब गाइस हम फ्रूट बॉडी वो लगाएंगे। पहले निडल जो पिन है वो लगा दी, अब निडल लगाएंगे। गाइस ध्यान रखना कि जब फिटिंग कर रहे हो तो निडल निकलनी नहीं चाहिए, तो एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा फिट करके फ्लूट बॉडी को। अब देखिए गाइस ये निडल निकल गई ना, तो ऐसे निकलनी नहीं चाहिए, फ्लूट बॉडी के साथ अटैच रहनी चाहिए। अभी ये फिटिंग करके मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि चेक कैसे करते हैं। अब इसका नट कस देंगे जिससे कि फ्लूट बॉडी अपनी जगह से ना हिले। अभी गाइस देखिए उठा के ये ऐसे चेक कर लीजिए, ये फ्रूट बॉडी हिलेगी लेकिन निडल भी उसके साथ हिलेगी, अलग नहीं होगी। अब गाइस दूसरा सामान फिट करेंगे, ये हो गया। अब तो गाइस दोनों नट कस चुके हैं अच्छे से, अब हम मिक्सर नट को बिठाएंगे। और मिक्सर नट गाइस पहले ये देख लीजिए, ये पतली वाली वॉशर आएगी स्प्रिंग से पहले, फिर उसके बाद आएगा स्प्रिंग, फिर उसके बाद रबर की वॉशर, और ये सब हम असेंबल करके अंदर डाल देंगे। अब इसको पूरा कस के वही तो लास्ट में गाइस ये ओवरफ्लो का बोल्ट जो है ये भी लगा देंगे और फिर हमारा कार्बोरेटर कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस कार्बोरेटर हो चुका है कंप्लीट, आप देख सकते हैं एकदम साफ सुथरा क्लीन। तो चलिए इसको अब फिट करते हैं बाइक में। फिटिंग का गाइस सबसे आसान तरीका है कि पहले जो हॉस पाइप है उसमें लगाएंगे और फिर हम मैनिफोल्ड में डालेंगे और अच्छे से चेक। सो गाइस जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि मैंने पूरी एक डिटेल वीडियो बना दी है कार्बोरेटर क्लीनिंग के बारे में। सो आई होप आपको अब समझ आ गई होगी कि कार्बोरेटर कैसे क्लीन करते हैं। और गाइस क्लीन करने के बाद अभी मैं काम पे आया था तो ये गाइ जो बाइक है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल रही है पहले से। थोड़ी बहुत जो दिक्कत थी मेरी, एक तो आरपीएम की दिक्कत थी और वो सब हट जाती है गाइस, क्योंकि कचरा फंसा होता है ना स्लाइड में तो आरपीएम की थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, बाइक बहुत ही बढ़िया चल रही है, आप भी ट्राई कीजिए खुद से क्लीन करके एक बार अच्छे से लगाइए, आपको ही फ़र्क पता लगेगा। अगर आपने ज़्यादा टाइम हो गया है कार्बोरेटर नहीं क्लीन करवाया हुआ तो ज़रूर पता लगेगा। सो गाइस बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों मुझे इंस्टा और फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिए क्योंकि मैं अपने लाइव अपडेट्स वहाँ डालता रहता हूँ। सो गाइस फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राइड सेफ राइड आर्ट, अलविदा, बाय बाय।